हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। सिग्नल्स एंड सिस्टम सब्जेक्ट की सीरीज़ में लास्ट दो टू क्लासेस हमने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के सिलेबस ओवरव्यू को देखा, और उसके बाद सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के इंट्रोडक्शन के बाद हमने ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट जो हमारा आज का लेक्चर है वो हमारा बेस्ड होगा ऑन एलिमेंट्री सिग्नल्स और सिंगुलैरिटी फंक्शंस। उससे पहले एक बार अगर हम रिकॉल कर लें जो लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट क्लास तक हमने ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स ये हम देख चुके हैं। तो आज हम इसको फिर से डील करेंगे, इसलिए एक बार बस हम इसको बेसिकली रिकॉल कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था सिग्नल्स पर तीन तरह के ऑपरेशंस हम नॉर्मली परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशंस और भी हैं जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सभी चीज़ें हम स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे। जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो तीन ऑपरेशंस जो हमने कल देखे। फर्स्ट ऑपरेशन हमने लिया था टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए हमने लिया था कि जो भी हमारे पास फंक्शन x ऑफ t गिवन होगा उसके लिए आपको फाइंड करना होगा x ऑफ t प्लस और माइनस t नॉट। तो इसके लिए हमने देखा था कि ये जो प्लस या माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट करता है एडवांस और डिले को, और ये t नॉट बताता है कितने अमाउंट से आपको सिग्नल को डिले या एडवांस करना है। जैसे हमने अगर ऐसा कोई सिग्नल ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू t, लेट इट इज़ x ऑफ t दैट एग्जिस्ट फ्रॉम माइनस वन टू प्लस फाइव, लेट द वैल्यू इज़ 10। तो अगर आपको इस सिग्नल एक्स टी के लिए अगर टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है और अगर आपको टी के रिस्पेक्ट में यहाँ फाइंड करना है एक्स ऑफ टी माइनस फोर, तो माइनस साइन डिले करने के लिए, और डिले के लिए हमने देखा था सिग्नल को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं बाई फोर। अगर आप शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस फोर का पॉइंट थ्री पर आ जाएगा और ये फाइव का पॉइंट नाइन पर आ जाएगा। तो आपको ये सिग्नल कुछ ऐसा दिखेगा फ्रॉम थ्री टू 9, और वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू पहले थी यानी कि अभी भी वैल्यू उसकी प्लस 10 होगी। ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन टाइम शिफ्टिंग। सेकंड ऑपरेशन हमने देखा था टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन में x ऑफ t गिवन होगा और उसके लिए आपको फाइंड करना होता था x ऑफ अल्फ़ा t, जहाँ पर हमने इस अल्फ़ा को नाम दिया था स्केलिंग फैक्टर। और हमने ये भी देखा था अगर इस अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो सिग्नल का कंप्रेशन होता है इन टाइम डोमेन, और अगर अल्फ़ा 1 से छोटा है तो हमारा सिग्नल एक्सपैंड हो जाएगा, जो एग्जिस्टिंग ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन हमारी बढ़ जाएगी। जैसे अगर ये इसी x ऑफ t के लिए अगर आप यहाँ पर फाइंड करना चाहें x ऑफ 3t विथ रिस्पेक्ट टू t, देन कंपेयरिंग विथ x ऑफ अल्फ़ा t, हियर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3, तो इसकी हमने देखा था दोनों एग्जिस्टिंग लिमिट्स को हमें क्या करना है, स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड करना है। तो ये सिग्नल आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, माइनस वन बाई थ्री टू फाइव बाई थ्री। वैल्यू पर अभी भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, वैल्यू अभी भी कितनी होगी, अगर पहले वैल्यू 10 थी तो अभी भी वैल्यू इसकी 10 ही रहेगी। और थर्ड और लास्ट ऑपरेशन हमने देखा था टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। तो टाइम रिवर्सल के लिए आपने देखा था, इसको हमने और नाम दिया था फोल्डिंग ऑपरेशन। तो फोल्डिंग के लिए ये टाइम रिवर्सल को हमने बोला था कि ये स्पेशल केस ऑफ स्केलिंग ही है, कि अगर हम इसको कंपेयर करें, हमें यहाँ पर फाइंड करना होता है टू फाइंड x ऑफ माइनस t। तो अगर हम देखें तो हम इसको टाइम स्केलिंग से कंपेयर कर सकते हैं, और यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। तो जैसे आप स्केलिंग निकालने के लिए जो भी स्केलिंग फैक्टर है उससे आप दोनों एग्जिस्टिंग लिमिट्स को डिवाइड करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर अगर स्केलिंग फैक्टर हमने देखा तो क्या है वैल्यू, माइनस वन। तो अगर आप इन दोनों लिमिट्स को माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो जो भी नेगेटिव साइड की वैल्यूज़ हैं, माइनस वन अपॉन माइनस वन दैट विल बी प्लस वन, ये वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी पॉजिटिव साइड में, और जो पॉजिटिव साइड की वैल्यू अगर इसको आप माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू माइनस फाइव हो जाएगी, मतलब ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर आप एक्स ऑफ माइनस टी ड्रॉ करते तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ आती फ्रॉम माइनस फाइव टू प्लस वन, वैल्यू इज 10। तो इन तीनों ही ऑपरेशंस का मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर हमने कंपोजिट ऑपरेशंस भी देखे, ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास तक किया था। अब आज जो हमारा टॉपिक है, ये तीनों हमने इसलिए फिर से रिकॉल किया क्योंकि आज हम कुछ सिंगुलैरिटी फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। सिंगुलैरिटी फंक्शंस आर दोज फंक्शंस दैट फॉलोज रिवर्सिबल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज, मतलब जिन पर हम अगर डिफरेंशिएट करते जाएँ तो हमें एक से दूसरे सिग्नल्स मिलते जाएंगे, और वापस अगर हम उनको इंटीग्रेट करना शुरू करें तो फिर से हमें वापस वो सिग्नल्स मिलते जाएंगे। तो उनको हम इन एलिमेंट्री सिग्नल्स हम पढ़ रहे हैं,
नॉर्मली यही वो सिग्नल्स हैं जिनको आप किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ चेक करने के लिए एज अ इनपुट अप्लाई करते हैं और फिर सिस्टम के आउटपुट को देखकर सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। एलिमेंट्री सिग्नल्स, एलिमेंट्री सिग्नल्स में स्टार्ट करने के लिए जो सबसे फर्स्ट सिग्नल हम ले रहे हैं दैट इज यूनिट स्टेप सिग्नल और यूनिट स्टेप फंक्शन। इसको आप ओलिवर हैवी साइड ने इसको डिफाइन किया था, इसलिए उसको हम हैवी साइड स्टेप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हैवी साइड स्टेप फंक्शन। देखिए, अगर हम इसका एप्लीकेशन देखें, इसको क्यों इसको डिज़ाइन किया गया, इसको क्यों ये एग्जिस्टेंस में आया, तो जो ऑपरेशनल कैलकुलस है उसमें जब डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन हमें निकालने होते थे तो कुछ ऐसे फंक्शंस होते थे जो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर ही स्विच होते थे और उसके बाद से कंटिन्यूसली वो एग्जिस्ट करते थे। तो ऐसे फंक्शंस जो पर्टिकुलर टाइम के बाद ही एग्जिस्ट करें और उसके बाद वो हमेशा के लिए एग्जिस्ट करें, मतलब फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो वैसे सिग्नल्स को आप नाम देते हैं स्टेप सिग्नल। ठीक है, और स्टेप के पहले जो चीज़ लिखी हुई है, जैसे अगर हमने लिख दिया यूनिट स्टेप सिग्नल, इसका मतलब उस स्टेप का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो हाइट होगी, वो हाइट कितनी होगी, यूनिटी। तो इसको अगर हम सिंपली ड्रॉ करें टी के रिस्पेक्ट में, नॉर्मली इसको हम यू ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा सिग्नल है जिसकी वैल्यू टी इज इक्वल्स टू टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, ये टी इज इक्वल्स टू जीरो का पॉइंट है। देखिए, वैसे भी आप स्टेप का मतलब क्या समझते हैं, स्टेप वाइज काम को करना, मतलब जैसे आप सीढ़ी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप मतलब ये क्या है, एक स्टेप है, यहाँ पर एक स्टेप का चेंज हो गया। अगर इस सिग्नल के आप शेप को देखें तो सिग्नल टी लेस देन जीरो पर ये सिग्नल जीरो है, टी इज इक्वल्स टू जीरो पर वैल्यू में डिसकंटिन्यूटी है, जीरो पर ही वैल्यू चेंज होकर जीरो से वन हो रही है और उसके बाद फिर ये वैल्यू हमारी कॉन्स्टेंट हो रही है ऑन वन। तो मैथमेटिकली अगर इस फंक्शन को हम डिफाइन करें तो मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज u of t is equals to 1 for t greater than 0 and it is equals to 0 for t less than 0। देखिए, कई जगह आपको यहाँ पर greater than और equals to भी लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन वो आइडियल केस नहीं है। गलत नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी आपसे अगर कोई पूछे तो कभी भी आपको greater than और equals to 0 नहीं कहना है। u of t कैसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1 होगी किसके लिए, जब ये आर्ग्यूमेंट जो अंदर लिखी हुई चीज़ है वो चीज़ क्या होनी चाहिए, greater than 0 होनी चाहिए। यहाँ वैल्यू में डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पर वैल्यू हमारी डिफाइंड नहीं है कि u of t will be what at t is equals to 0, आप नहीं बता सकते। हाँ, हम इसका एवरेज ले सकते हैं कि 0 पर ही वैल्यू 0 है, 0 पर ही 1 है, तो अगर हम बहुत प्रिसाइजली इसको हम डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 और 0 का एवरेज 1/2, लेकिन वो हमारा करेक्ट नहीं है। तो आप बेसिकली जो सिग्नल डिफाइन करते हैं, आप u of t दैट इज इक्वल्स टू 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड u of t इज इक्वल्स टू 0 फॉर t लेस देन 0। ठीक है, अब जैसे आपने इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग और टाइम शिफ्टिंग, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप इस फंक्शन पर अगर अप्लाई करके देखें। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि इस u of t के लिए टू फाइंड u of t माइनस 4, u of t माइनस 4 फाइंड करना है, मतलब आपको क्या करना है, u of t सिग्नल को डिले करना है, या माइनस साइन का क्या मतलब है, डिले करना है। कितने यूनिट से डिले करना है, 4 यूनिट से डिले करना है। तो अगर हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, कभी भी अगर आपको फंक्शन ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आप एक्सेस मेंशन करेंगे कि आपको क्या सिग्नल ड्रॉ करना है और किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना है। तो आपको u of t माइनस 4 ड्रॉ करना है। ये हमारा सिग्नल है u of t, ये t इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर हम इस सिग्नल को 4 से डिले कर दें, मतलब जो सिग्नल हमारा 0 के बाद स्टार्ट हो रहा है, अब वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। डिले जब हम करते हैं तो किधर शिफ्ट करते हैं, हम राइट हैंड साइड। तो अगर हम इस सिग्नल को ड्रॉ करें तो ये सिग्नल हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, t इज इक्वल्स टू 4 से। और हमने देखा था वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, मतलब वैल्यू अभी भी कितनी होगी इसकी, 1। तो अगर आपने यूनिट स्टेप फंक्शन लिखा है तो यूनिट स्टेप फंक्शन का मतलब इसके पीछे जो कोफिशियंट लिखा है वो इसकी वैल्यू है, वो इसका मैग्नीट्यूड है।
तो अगर इसके पीछे कुछ नहीं लिखा मतलब वैल्यू कितनी है, 1। तो इसलिए अगर हमने यहाँ पर देखा, अगर इसके पीछे कुछ नहीं लिखा मतलब ये वैल्यू कितनी है इसकी, 1। तो हमने इसकी हाइट, इस स्टेप की हाइट कितनी बनाई है, 1। ऐसे ही अगर आपको ड्रॉ करना होता टू फाइंड 3u(t+2), सबसे पहले हम देखेंगे एग्जिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट होगा। तो u(t+2), u(t) सिग्नल हम जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है। अगर हमें u(t+2) ड्रॉ करना है, हमने ये एक्सिस मेंशन किया विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी हैव टू ड्रॉ u(t+2) और उसकी वैल्यू हमें कितनी बनानी है, 3। तो सबसे पहले u(t+2) को 2 से हमने एडवांस किया तो सिग्नल हमारा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, और कहाँ से शुरू हो रहा है वो, -2 से। और वैल्यू कितनी बनानी है हमें, अब ये मैग्नीट्यूड कितना लिखा है इसके पीछे कोफिशियंट, 3। तो हम ये वैल्यू कितनी लिखेंगे, 3। तो ये हमने फाइंड किया u(3u(t+2). ऐसे ही सपोज अब हमें ड्रॉ करना है टी के रिस्पेक्ट में u(-t). u(-t) ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे आप, ये u(t) सिग्नल है, इस सिग्नल पर आपको क्या लेना है, टाइम रिवर्सल अप्लाई करना है। तो टाइम रिवर्सल के लिए इस टी को अगर आप -t से रिप्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, सिग्नल को फोल्ड कर रहे हैं। किसके अबाउट फोल्ड कर रहे हैं, t = 0 अगर आप पुट करेंगे, मतलब इस वाई एक्सिस के अबाउट आपने फोल्ड कर दिया। तो जो सिग्नल 0 to +∞ एग्जिस्ट कर रहा था, अगर आपने इसको फोल्ड कर दिया, वो सिग्नल कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा, फ्रॉम -∞ to 0 एग्जिस्ट करेगा। इसलिए आप u(-t) अगर ड्रॉ करेंगे तो वो सिग्नल कैसा दिखेगा आपको, ये हमारा सिग्नल है u(-t). वैल्यू अभी भी कितनी होगी, 1। ठीक है, अब अगर हम यहाँ ड्रॉ करना चाहते हैं u(2t) विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो u(2t) अगर आपको ड्रॉ करना है, ये हमारा फंक्शन है u(t). जैसे कोई सिग्नल होता था, अगर हमने ये कोई फंक्शन ले लिया x(t) जो एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम -4 to 6, टी के रिस्पेक्ट में वैल्यू है 4। अगर आप इस सिग्नल के लिए टी के रिस्पेक्ट में x(2t) ड्रॉ करते थे, तो आप क्या करते थे, इसकी दोनों एग्जिस्टिंग लिमिट्स को स्केलिंग फैक्टर 2 से डिवाइड करते थे। तो ये वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ मिलती थी, फ्रॉम -2 to +3। सिमिलरली अगर ये हमारा फंक्शन है u(t) और इसके लिए अगर हमें स्केल करना है इस फंक्शन को 2 से, स्केलिंग का भी हमने सिग्निफिकेंस देखा था। स्केलिंग का मतलब अगर आप 2t करना चाहते हैं, मतलब आप टाइम को डबल स्पीड से मूव करना चाहते हैं, तो जो एग्जिस्टेंस है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जो दोनों लिमिट्स हैं जहाँ से जहाँ तक सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, उन दोनों लिमिट्स को आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ये सिग्नल कहाँ से शुरू हो रहा है, 0। अगर आप 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। और ये सिग्नल कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है टाइम में, अप टू इन्फिनिटी। और अगर आप इन्फिनिटी को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर आप u(2t) सिग्नल देखें तो वो सिग्नल बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा आपका सिग्नल u(t) दिखता है। इसका मतलब अगर कोई विदाउट शिफ्टेड स्टेप फंक्शन है तो उस स्टेप फंक्शन पर स्केलिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, चाहे आप u(2t) कहें या आप u(3t) कहें या u(10t) कहें, ये सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो सेम होंगी, किसके जैसी होंगी, ये u(t) के बराबर होंगी। ठीक है, किसी भी स्केलिंग फैक्टर से आप 0 को डिवाइड करें और इन्फिनिटी को डिवाइड करें तो वो दोनों लिमिट्स ही हमारी चेंज नहीं होंगी। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस, हमने स्टेप फंक्शन को लिया और उन स्टेप फंक्शन पर हमने टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल और टाइम स्केलिंग का इफेक्ट देखा। अब हम कुछ कंपोजिट ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करना चाहें अपने इस एलिमेंट्री फंक्शन u(t) पर, सपोज आपको ड्रॉ करना है, टू ड्रॉ u(-2t+4। ठीक है, कल हमने देखा था कंपोजिट ऑपरेशंस जब आप लगाना चाहते हैं तो दो तरह से आप प्रोसीड कर सकते हैं, या तो आप राइट टू लेफ्ट मूव कीजिए ऑपरेशन लगाना, या फिर आप लेफ्ट टू राइट मूव कीजिए। हमने देखा था कि अगर हम राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन मूव करते हैं तो हमें कुछ भी कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑपरेशन जिस ऑर्डर में आ रहा है उस ऑर्डर में बस हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि ये ज़्यादा ईजी रहेगा, आप इस मेथड के थ्रू ही मूव करें।
तो अगर हम इस डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट ऑपरेशंस लगाना शुरू करें तो ये हमारे पास फंक्शन है यू ऑफ टी। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, प्लस फोर मतलब शिफ्टिंग बाई फोर, एडवांस करना है हमें सिग्नल को फोर से। तो अगर हम ये टी के रिस्पेक्ट में सबसे पहले अगर हमने ड्रॉ किया u ऑफ t प्लस फोर, ये सिग्नल कहाँ से कहाँ तक होगा, ये u ऑफ t है। हम इसको एडवांस करना चाहते हैं बाई फोर यूनिट्स, तो जो वैल्यू ज़ीरो से शुरू हो रही थी अब वो वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, माइनस फोर से। तो आपने ये ड्रॉ किया u ऑफ t प्लस फोर, ये सिग्नल आपको कैसा दिखेगा, फ्रॉम माइनस फोर टू इन्फिनिटी वैल्यू अभी भी कितनी होगी, वन। अब अगर हम और मूव करें तो हमें क्या दिख रहा है, टी में टू से स्केलिंग है, मतलब टाइम स्केलिंग। तो आप फाइनली इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में यू ऑफ टू टी प्लस फोर। टी प्लस फोर हमने फाइंड कर लिया, अब हम इसकी दोनों लिमिट्स पर स्केलिंग करने वाले हैं कितने से, टू से। तो अगर आप टू से स्केल करेंगे तो क्या होगी वैल्यू, दोनों जो एग्जिस्टिंग लिमिट्स हैं उनको आपको टू से डिवाइड करना है। सिग्नल कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रॉम माइनस फोर टू प्लस इन्फिनिटी। तो अगर आप इस फोर के पॉइंट को टू से डिवाइड करेंगे तो अब ये चीज़ कैसी दिखेगी आपको, फोर डिवाइडेड बाई टू इज टू, माइनस टू एक्चुअली, और इन्फिनिटी को आप टू से डिवाइड करेंगे तो वो तो इन्फाइनाइट ही रहने वाला है। मतलब ये हमारा सिग्नल वैल्यू अभी भी इसकी वन ही होगी, वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो हमने ये ड्रॉ किया यू ऑफ टू टी प्लस फोर। एक स्टेप और आपको लेना है, अब आपको नेक्स्ट क्या दिख रहा है, टू से स्केलिंग भी कर लिया आपने, माइनस साइन दिख रहा है, मतलब अब इस पर फाइनली हमें एक रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो रिवर्सल के लिए आप क्या करते हैं, इसको फोल्ड करेंगे हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो जो वैल्यू माइनस टू से प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रही है वो वैल्यू अब कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगी, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस टू। तो फाइनली यहाँ पर हम अपना सिग्नल ड्रॉ कर सकते हैं टी के रिस्पेक्ट में u ऑफ माइनस टू टी प्लस फोर, जो कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस टू, ये वैल्यू कितनी है, वन। ठीक है, तो ये हमने एक कॉम्पोजाइट ऑपरेशन देखा u ऑफ माइनस टू टी प्लस फोर। इसी सिग्नल को एक बार हम और देखते हैं, u ऑफ t सिग्नल और भी प्रैक्टिकली हमारे बहुत काम का है, जिसके एप्लीकेशंस हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी जैसे अगर हम दो सिग्नल्स ड्रॉ करना चाहें, हम दो सिग्नल्स ड्रॉ करना चाहते हैं। पहला सिग्नल है हमारा u ऑफ माइनस टी प्लस फाइव, और दूसरा सिग्नल हम ड्रॉ करना चाहते हैं u ऑफ माइनस टी माइनस फाइव। ठीक है, सेम प्रोसीजर से अगर u ऑफ माइनस टी प्लस फाइव ड्रॉ करना है तो राइट टू लेफ्ट हमने ऑपरेशन लगाया, u ऑफ t हमें पता है 0 टू इन्फिनिटी। तो अगर हमने u ऑफ t प्लस फाइव देखा तो ये सिग्नल हमारा माइनस फाइव टू इन्फिनिटी, वैल्यू इज़ वन, u ऑफ t प्लस फाइव। एक और ऑपरेशन है रिवर्सल, तो अगर हमने रिवर्सल अप्लाई किया तो t के रिस्पेक्ट में अब हम माइनस टी प्लस फाइव ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हमने इस पर फोल्डिंग अप्लाई की, तो जो सिग्नल माइनस फाइव टू प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रहा था अब वो सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, फ्रॉम अप टू प्लस फाइव, ये वैल्यू कितनी है, वन। ये हमने पहला सिग्नल देखा यू ऑफ माइनस टी प्लस फाइव। सिमिलरली अगर हम दूसरा सिग्नल देखें, यहाँ भी हम राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन मूव करते हैं, तो यू ऑफ टी हमें पता है कहाँ से कहाँ, ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो अगर हम u ऑफ t माइनस फाइव, पहले हम ड्रॉ करना चाहते हैं t माइनस फाइव विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब हमें ut को डिले करना है बाई फाइव यूनिट्स। तो ये सिग्नल हमारा प्लस फाइव से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, वैल्यू अभी भी कितनी है इसकी, वन। अब अगर हम ये सिग्नल फाइंड करना चाहते हैं, दैट इज t के रिस्पेक्ट में u ऑफ माइनस टी माइनस फाइव, तो हम एक और मूव किया हमने तो ये हमें दिख रहा है टाइम रिवर्सल। तो इस सिग्नल पर अब हमें टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो टाइम रिवर्सल के लिए हमने क्या देखा था, जो भी पॉजिटिव साइड की वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ नेगेटिव साइड में शिफ्ट हो जाएंगी। तो अगर ये सिग्नल प्लस फाइव से प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर हम इस पर टाइम रिवर्सल लेंगे तो वो सिग्नल हमारा कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फाइव। ऐसे समझिए आप, दोनों जो लिमिट्स हैं उनमें आप माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं,
तो प्लस फाइव अपॉन माइनस वन दैट इज माइनस फाइव एंड प्लस इन्फिनिटी अपॉन माइनस वन दैट इज माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो सिग्नल होगा ये हमारा सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर और माइनस फाइव तक एग्जिस्ट करेगा। वैल्यू अभी भी कितनी होगी इसकी, वन। तो इन दोनों सिग्नल्स को अगर हम कंपेयर करें, यू ऑफ माइनस टी प्लस फाइव एंड यू ऑफ माइनस टी माइनस फाइव, ये दोनों ही सिग्नल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर यहाँ प्लस फाइव है तो सिग्नल टर्मिनेट कहाँ पर हो रहा है, प्लस फाइव पर। अगर यहाँ सिग्नल में माइनस फाइव है तो सिग्नल कहाँ पर एंड हो रहा है, माइनस फाइव पर। तो इन दोनों सिग्नल्स को देखकर हम एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि अगर कभी हमें ड्रॉ करना हो, अगर आपको कभी ड्रॉ करना हो एक सिग्नल यू ऑफ माइनस टी प्लस टी नॉट, ठीक है, दो पॉसिबल कंडीशंस हैं। ये टी नॉट इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको ये सिग्नल ड्रॉ करना हो सकता है यू ऑफ माइनस टी प्लस टी नॉट, हो सकता है ये टी नॉट पॉजिटिव हो सकता है ये टी नॉट नेगेटिव हो। उन दोनों केसेस को अगर आप कंपेयर करें तो एक जगह टी नॉट हमारा यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ टी नॉट नेगेटिव है, तो डिफरेंस क्या होगा, दोनों ही सिग्नल्स या तो हम टी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव लें तो भी, टी नॉट नेगेटिव लें तो भी, ये दोनों ही सिग्नल स्टार्ट कहाँ से होंगे, माइनस इन्फिनिटी से, और एंड कहाँ पर होंगे, जो टी नॉट की वैल्यू है। अगर ये टी नॉट पॉजिटिव है, पॉजिटिव फोर, तो प्लस फोर पे टर्मिनेट होगा। अगर ये टी नॉट नेगेटिव है तो टर्मिनेट होगा नेगेटिव फोर पे, ठीक है। तो ये सिग्नल हमारा, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, जब हम आगे कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो हम देखेंगे ये सिग्नल्स हमारे वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, आगे हम इसको अप्लाई करेंगे। यूटी का एक और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, हम सिग्नल्स के टाइप आगे क्लासिफाई करेंगे सिग्नल्स को, एक चीज़ हम देखते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं इनका एक क्लासिफिकेशन है कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल सिग्नल्स, ठीक है। तो किसी सिग्नल को आप कॉजल कहते हैं अगर वो सिग्नल सिर्फ और सिर्फ टी की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करे। मतलब अगर किसी सिग्नल को हमने एक्स टी से रिप्रेजेंट किया है, तो इफ़ एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर टी लेस देन ज़ीरो, मतलब अगर टी की नेगेटिव वैल्यूज़ पर सिग्नल ज़ीरो है तो उस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, कॉजल। मतलब अगर सिग्नल की वैल्यू हमें सिर्फ कहाँ दिख रही है, अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड में दिख रही है, तो वैसे सिग्नल को आप क्या नाम देते हैं, कॉजल सिग्नल। जैसे एग्जाम्पल, हमने ऐसा कोई सिग्नल बना लिया एक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर हमारा ये सिग्नल है 2 से लेकर 6 तक, वैल्यू है 10, तो हमें क्या दिख रहा है, इस सिग्नल का एग्जिस्टेंस सिर्फ टी ग्रेटर देन 0 के लिए है और टी लेस देन 0 के लिए, एक्स ऑफ टी इज 0, देयरफॉर दिस सिग्नल इज कॉल्ड एज अ कॉजल सिग्नल। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज अ कॉजल सिग्नल। नॉन कॉजल सिग्नल का मतलब, अगर कोई सिग्नल ऐसा है जो टी की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे हमने ये माइनस फोर से लेकर प्लस थ्री तक टी के रिस्पेक्ट में एक्स ऑफ टी की वैल्यू अगर हमने लिख दी फाइव, तो ये सिग्नल क्या है, टी की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है और पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, नॉन कॉजल। तो नॉन कॉजल के लिए एक्स ऑफ टी इज़ नॉट ज़ीरो फॉर टी लेस देन ज़ीरो, कुछ ना कुछ वैल्यू कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड में हमें एक्स ऑफ टी की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, तो उस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, नॉन कॉजल। और थर्ड क्लासिफिकेशन है एंटी कॉजल सिग्नल। तो एंटी कॉजल सिग्नल का मतलब, ऐसा सिग्नल जो सिर्फ और सिर्फ टी की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ही एग्जिस्ट करे, ऐसे सिग्नल को आप कहते हैं एंटी कॉजल सिग्नल। जैसे हमने अगर ऐसा बना दिया माइनस सेवन टू प्लस टू, वैल्यू इज सिक्स, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टी की सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ही एग्जिस्ट कर रहा है और पॉजिटिव साइड में इसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं एंटी कॉजल सिग्नल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टी इज़ ज़ीरो फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब एग्जिस्ट कहाँ करेगा, सिर्फ टी लेस देन ज़ीरो पे एग्जिस्ट करेगा, ग्रेटर देन ज़ीरो पर टी के लिए जो वैल्यू होगी एक्स ऑफ टी की वो क्या होगी, ज़ीरो। तो ऐसे सिग्नल को हम क्या नाम देते हैं, एंटी कॉजल सिग्नल। तो अगर हम
कॉजलिटी को डील करते हैं, जब हम ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं कि हमारा इनपुट हमेशा कॉजल रहे, तो वहाँ पर हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं जिसको अभी हमने देखा, यूनिट स्टेप फंक्शन। जैसे एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये सिग्नल कॉजल है या नॉन कॉजल है? ये सिग्नल टी की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये सिग्नल कैसा है? नॉन कॉजल। ठीक है, एंटी कॉजल कब कहते हैं? अगर सिर्फ नेगेटिव साइड में ही एग्जिस्ट कर रहा होता तो हम इसको एंटी कॉजल सिग्नल कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस सिग्नल को स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी जिसकी वैल्यू है 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर आप इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ ये फंक्शन नहीं दिख रहा मतलब इसकी वैल्यू कितनी है फंक्शन की, 0, दो चीज़ों का प्रोडक्ट, अगर एक भी 0 है तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0, तो जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कहाँ के बाद मिलेगा, t इज इक्वल्स टू 0 के बाद ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा, और इस ड्यूरेशन में t ग्रेटर देन 0 पर इसकी वैल्यू तो 1 है, 1 से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वही होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम कहें कि ये वैल्यू 7.3 है, तो 7.3 इंटू 1 यहाँ वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 7.3 ही मिलेगी। यहाँ अगर वैल्यू हमने कहा 7.6 है, तो यहाँ वैल्यू हमें कितनी मिलेगी दोनों का प्रोडक्ट, 1 × 7.6, दैट इज 7.6। मतलब अगर आप यहाँ पर दोनों सिग्नल्स का प्रोडक्ट देखें टी के रिस्पेक्ट में, अगर हम यहाँ पर एक्स टी इंटू यू टी अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो टी लेस देन 0 पर प्रोडक्ट 0 मिलेगा, और टी ग्रेटर देन 0 पर जैसा शेप एक्स ऑफ टी का है बिल्कुल वैसा ही आपको शेप मिलेगा। ठीक है, तो ये सिग्नल क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब ये जो सिग्नल हमें मिल रहा है, ये सिग्नल कैसा है, इस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, ये सिर्फ टी ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, ये सिग्नल क्या है हमारा, कॉजल सिग्नल। तो किसी सिग्नल को जो नॉन कॉजल है, अगर हमें उसको कॉजल बनाना है, तो उसके लिए हमें बस क्या करना चाहिए, अगर हम एक यूनिट स्टेप फंक्शन लें और उसको किसी भी नॉन कॉजल सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दें, तो रिजल्टेंट जो होगा हमेशा, वो हमेशा क्या होगा हमारा, एक कॉजल सिग्नल होगा। ठीक है, कुछ फंक्शंस हो सकते हैं जो गिवन हो और आपको अगर उन्हें स्टेप फंक्शंस के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो, या जैसे पहले अगर हम एक फंक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं, टू ड्रॉ एक्स टी इज इक्वल्स टू यू ऑफ टी प्लस ए माइनस ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, यू ऑफ टी प्लस ए, पहले हमने इस यू ऑफ टी प्लस ए को देखा टी के रिस्पेक्ट में, यू ऑफ टी प्लस ए कैसा होगा सिग्नल, यू ऑफ टी सिग्नल 0 से स्टार्ट होता है, इसको हम एडवांस करना चाहते हैं प्लस ए से, मतलब इसको हमने शिफ्ट किया ए यूनिट से लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा जो सिग्नल है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम माइनस ए, वैल्यू 1 है। ऐसे ही इसके नीचे अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं टी के रिस्पेक्ट में यू ऑफ टी माइनस ए, ये यू ऑफ टी सिग्नल है, इसको ए से डिले कर दिया हमने, तो जो 0 से शुरू हो रहा था वो कहाँ से शुरू होगा, ए से शुरू होगा। तो अब हमारा सिग्नल कैसा है, ए टू इन्फिनिटी, ये हमारा सिग्नल है यू ऑफ टी माइनस ए। अब अगर हम इन दोनों सिग्नल्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर हम इन दोनों सिग्नल्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं टी के रिस्पेक्ट में, अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं एक्स ऑफ टी दैट इज इक्वल्स टू यू ऑफ टी प्लस ए माइनस ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, ये इंटरवल्स देख लीजिए, ये प्लस ए का पॉइंट है, ये माइनस ए का पॉइंट है, माइनस ए से लेकर प्लस ए तक जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो सिग्नल की वैल्यू 1 है, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उस सिग्नल की वैल्यू 0 है। तो 1 माइनस 0 हमें माइनस ए से लेकर प्लस ए तक कितनी वैल्यू मिलेगी, 1, और प्लस ए के बाद ये सिग्नल 1 जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो सिग्नल भी 1, तो 1 माइनस 1 इस प्लस ए के बाद वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 0। तो अगर आप ये सिग्नल देखें तो 0 माइनस ए के पहले भी सिग्नल की वैल्यू 0 है, ए पर वैल्यू चेंज हो गई
कितनी हो गई चेंज होकर, 1, फिर 1 पर कांस्टेंट रही कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, और प्लस ए पर वैल्यू डिक्रीज हुई 1 to 0, और उसके बाद फिर ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई एट 0, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन को हम नाम देते हैं गेट फंक्शन। नाम से तो इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर फंक्शन जो एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम माइनस ए टू ए, इसको हमने किससे फाइंड किया, यू ऑफ टी प्लस ए माइनस ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए, मतलब शिफ्टेड स्टेप्स का ये हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन। अब अगर हम इसको रिवर्स प्रोसेस देखते, अगर हमारे पास वो सिग्नल गिवन होता और अगर हम उसको स्टेप फंक्शन से फॉर्म करना चाहते, बार बार हमने अब इतनी बार कर लिया है कि अब आप इसके लिए कंफर्टेबल हो गए होंगे कि अगर हम कभी लिखते हैं u ऑफ t प्लस 4, इसका मतलब है कि ये चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है, जहाँ पर इसके अंदर की जो चीज़ है ये ज़ीरो होगी वहीं से ये चीज़ स्टार्ट होगी, मतलब t इज इक्वल्स टू माइनस 4 से ये सिग्नल स्टार्ट होगा। अगर हमने कभी लिखा u ऑफ t माइनस 3, तो ये सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पर इसके ब्रैकेट के अंदर की चीज़ ज़ीरो होगी, मतलब t इज इक्वल्स टू 3 से। लेकिन ये चीज़ आप वहीं करेंगे जहाँ पर स्केलिंग ना हो, ठीक है। उसके लिए हम आगे देखेंगे क्या करना है हमें। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई सिग्नल होता जो स्टार्ट हो रहा है माइनस ए से और प्लस ए तक है, इस सिग्नल का हमने शेप देखा टी के रिस्पेक्ट में, ये हमारा कोई फंक्शन है एक्स ऑफ टी। अब अगर हमें इसको स्टेप फंक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, हम क्या देख रहे हैं, सिग्नल की वैल्यू पहले ज़ीरो है, एट टी इज इक्वल्स टू माइनस ए एक स्टेप चेंज हुआ है। कितने स्टेप का चेंज है, अगर ये वैल्यू 1 है तो 1 स्टेप का चेंज है। तो स्टेप आया मतलब स्टेप फंक्शन आया, कितने मैग्नीट्यूड का आया, 1 मैग्नीट्यूड का। तो अगर हम इसको स्टेप फंक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू, जो पहला स्टेप आ रहा है वो माइनस ए पर आ रहा है। तो हमने यहाँ से देखा था कि अगर माइनस ए पर कोई फंक्शन आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, u ऑफ t प्लस 4 अगर हम लिखते तो ये कहाँ से स्टार्ट होता, माइनस 4 से। ऐसे ही अगर कोई चीज़ माइनस a से स्टार्ट हो रही है तो इसके लिए आप फंक्शन क्या लिखेंगे, u ऑफ t प्लस a। ये स्टेप आ गया एक स्टेप। अब अगर ये सिर्फ ये स्टेप होता u ऑफ t प्लस a, तो ये स्टेप हमारा कैसा होता, जो माइनस a से शुरू होकर इन्फिनिटी तक रहता, ठीक है। लेकिन ये इन्फिनिटी तक नहीं है, ये कहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, प्लस ए पर हमें फिर से एक चेंज मिल रहा है, कितने का, 1 से 0 हो रही है चीज़। मतलब यहाँ पर हमारा एक स्टेप आ रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, नेगेटिव 1। कहाँ पर आ रहा है वो स्टेप, प्लस ए पर। तो फंक्शन हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर माइनस, क्योंकि हमारा ये 1 से 0 चेंज हो रहा है, तो जो स्टेप फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 1, और वो कहाँ पर आ रहा है, एट प्लस ए। तो इसलिए हम फंक्शन क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए। ये t माइनस ए क्या बताएगा, अगर आप इसको जीरो पुट करेंगे तो ये स्टेप कहाँ पर आया, t इज इक्वल्स टू a पर। और ये माइनस साइन क्या बता रहे हैं, माइनस ये जो भी वैल्यू पीछे लिखी है, u का जो भी कोफिशियंट है, यहाँ पर अगर हम कोफिशियंट माइनस 1 ले रहे हैं, इसका मतलब स्टेप की जो हाइट होगी वो माइनस 1 होगी। इसीलिए जब ये वैल्यू प्लस 1 थी तो इसमें से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होकर ये वैल्यू कहाँ पर कॉन्स्टेंट हो रही है, जीरो पर कॉन्स्टेंट हो रही है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम स्टेप फंक्शंस के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, देखिए ये बेसिक्स हो सकता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हों, लेकिन अगर दो स्टूडेंट्स भी ऐसे हों जिनको ये क्लियर नहीं है तो उनको फिर आगे की चीज़ों में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए हमें बस इन्हीं पार्ट्स को अगर हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आगे बढ़ें तो आप देखेंगे सब्जेक्ट आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और बिल्कुल भी आप कहीं पर ऐसा फील नहीं करेंगे कि चीज़ें कैसी जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई सिग्नल है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है, अगर हमें इसको यूनिट स्टेप फंक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ से मूव करना शुरू करें, ठीक है, फंक्शन का शेप देख लीजिए, ये फंक्शन पहले ज़ीरो पर कॉन्स्टेंट था, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 तक, माइनस 5 पर इस पर एक एब्रप्ट चेंज आया और इस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो से चेंज होकर कितनी हो गई, माइनस 4। माइनस 4 पर ये फंक्शन कांस्टेंट रहा फ्रॉम माइनस 5 टू माइनस 4, और माइनस 4 पर फिर से यहाँ पर एक एब्रप्ट चेंज आ रहा है, कितने स्टेप का, माइनस 4 से ये वैल्यू क्या हो गई, माइनस 3।
फिर ये फंक्शन कांस्टेंट है माइनस फोर से लेकर माइनस थ्री तक, फिर यहाँ पर एक एब्रप्ट चेंज आ रहा है कुछ स्टेप्स का, वो हम देखेंगे कितना है, फिर ये फंक्शन कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज है, फिर कांस्टेंट है, और फिर ये डिक्रीज होकर हमारा फंक्शन ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, अब इस फंक्शन को हमें स्टेप फंक्शंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, यहाँ पर जो पहला स्टेप आ रहा है उसकी वैल्यू का क्या हो रही है हमारी, ज़ीरो से डिक्रीज हो रही है। मतलब जो फंक्शन है हमारा स्टेप फंक्शन वो कैसा है, नेगेटिव स्टेप आया है। कितने मैग्नीट्यूड का स्टेप आया है, ये वैल्यू कितनी है, माइनस फोर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस फोर, और फंक्शन कहाँ पर शुरू हो रहा है, वो माइनस फाइव पर। तो फंक्शन क्या लिखेंगे हम, u ऑफ t प्लस फाइव। क्यों लिखा हमने t प्लस फाइव, अगर आप इसको ज़ीरो पुट करेंगे t प्लस फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ से आपको t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस फाइव। ठीक है, अब ये फंक्शन हमारा अगर हम सिर्फ u ऑफ माइनस फोर u ऑफ t माइनस फाइव लिखते तो ये फंक्शन हमारा ऐसा होता जिसकी वैल्यू माइनस फाइव पर शुरू हो जाती, ये वैल्यू कितनी होती, माइनस फोर, और कहाँ तक रहती, इन्फिनिटी तक। लेकिन ये वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी तक वैसी नहीं है, अब ये वैल्यू क्या हो रही है, माइनस फोर पर इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई, कितने स्टेप का यहाँ पर चेंज आ रहा है, माइनस फोर से ये वैल्यू माइनस थ्री हो गई, मतलब प्लस वन स्टेप का चेंज आया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि t इज इक्वल्स टू माइनस फोर पर एक स्टेप फंक्शन आया जिसकी वैल्यू प्लस वन थी, जिससे स्टेप का मैग्नीट्यूड प्लस वन था, और वो कहाँ आया, माइनस फोर पर। तो आप क्या लिखेंगे फंक्शन में, प्लस u ऑफ t प्लस फोर। ठीक है, अब इसके बाद t प्लस फोर पर एक स्टेप आ गया, वैल्यू कांस्टेंट हो गई माइनस थ्री पर। कब तक कांस्टेंट है, माइनस थ्री तक। माइनस थ्री पर अगर हम देखें टोटल चेंज, तो ये माइनस थ्री वैल्यू है, और इस पॉइंट पर वैल्यू चेंज होकर कहाँ आ रही है, प्लस टू पर। मतलब ये टोटल चेंज कितना हो रहा है, टू माइनस ऑफ माइनस थ्री, टू माइनस ऑफ माइनस थ्री, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर फाइव मैग्नीट्यूड का चेंज है। मतलब जो यहाँ स्टेप फंक्शन आया है उसकी वैल्यू कितनी थी, प्लस फाइव, और कहाँ पर आया है वो फंक्शन, माइनस थ्री पर। तो आप इसके लिए फंक्शन क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू फाइव और वो एग्जिस्ट करना शुरू कर रहा है एट माइनस थ्री, इसीलिए हमने फंक्शन लिखा प्लस फाइव यू ऑफ टी प्लस थ्री। ठीक है, यहाँ तक कर लिया हमने। अब ये फंक्शन कांस्टेंट है, कब तक कांस्टेंट है, फोर पर। फोर पर वैल्यू फिर से इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पर एक स्टेप फंक्शन और ऐड हुआ है, और उस स्टेप फंक्शन के मैग्नीट्यूड कितनी है, यहाँ टू से वैल्यू कहाँ तक चेंज हो रही है, थ्री। मतलब ये चेंज कितने स्टेप का है, वन स्टेप का। तो मतलब t इज इक्वल्स टू फोर पर एक और स्टेप फंक्शन आया है जिसकी वैल्यू है वन। तो आप इसके साथ और क्या लिखेंगे, प्लस मैग्नीट्यूड वन, और एग्जिस्टेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, प्लस फोर से। तो आप फंक्शन क्या लिखेंगे, u ऑफ t माइनस फोर, जिससे आप इसको ज़ीरो पुट करें तो आपको t की वैल्यू क्या मिल जाए, फोर मिल जाए। अब ये फंक्शन कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड थ्री पर, लेकिन हमें दिख रहा है कि t इज इक्वल्स टू सिक्स पर ये वैल्यू जो थ्री थी वो थ्री से वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। मतलब यहाँ पर जो स्टेप आया है उसका जो उसकी हाइट है वो कितनी है, माइनस थ्री, और कहाँ से शुरू हुआ है वो स्टेप, प्लस सिक्स से। तो इसलिए फाइनली एक और टर्म हम यहाँ लिखेंगे, माइनस थ्री यू ऑफ टी माइनस सिक्स। तो ये जो हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हमारा इस गिवन एक्स ऑफ टी को रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शंस। यूनिट स्टेप नहीं कहेंगे, यूनिट स्टेप हम तब कहेंगे जब यूनिट जो कोफिशियंट है स्टेप फंक्शन का अगर वो वैल्यू वन हो। तो ये हमने अपना पहला एलिमेंट्री सिग्नल लिया स्टेप फंक्शन, उस पर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, उसको हमने अलग अलग तरीके से एनालाइज किया, कॉजलिटी डिफाइन की इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शंस, और उस पर फिर हमने कुछ फंक्शंस पे कुछ ऑपरेशंस देखे। अब नेक्स्ट जो है, जो हमारा सेकेंड एलिमेंट्री फंक्शन है, अभी हमने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। जो एक मैंने कमेंट भी देखा था, आपके कुछ कमेंट्स आए हैं जिसमें आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखना है, बिल्कुल हम वो करेंगे, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन हम जहाँ पर बेस्ट आपको चीज़ें सुटेबली समझ में आएंगी वहाँ पर हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो अभी हम इस पर डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर रहे, आगे हम एक दो और फंक्शंस देख लें, उसके बाद फिर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन में जो दो चीज़ें आपको, दो तीन चीज़ें ही बेसिकली आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, फंक्शन शुरू कहाँ से होगा, ठीक है,
वो फंक्शन शुरू कहाँ से होगा वो आपने देखना सीख लिया है। दूसरी चीज़, फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो जो भी कोफिशियंट लिखा है वो उसकी वैल्यू है। एक दो चीज़ें और, जैसे यू ऑफ, कभी भी अगर माइनस टी लगा हुआ है, माइनस टी हो, माइनस टू टी हो, प्लस ये या माइनस कुछ भी वैल्यू हो, टी नॉट, जैसे ही ये माइनस है इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ से स्टार्ट होकर आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी पर, मतलब ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, ठीक है। ये सिग्नल किधर को एक्सटेंड हो रहा है, अप टू माइनस इन्फिनिटी। और अगर कभी यू में टी का कोफिशियंट पॉजिटिव है तो आपको ये समझ जाना है कि जो ये सिग्नल है वो किस तरफ एक्सटेंड हो रहा है, राइट हैंड साइड एक्सटेंड हो रहा है। मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, ये कैसा सिग्नल है हमारा, राइट साइडेड फंक्शन, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट्री सिग्नल है हमारा रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल ये जो हम लिखते हैं, आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू, अगर हमने यहाँ पर यूनिट रैंप लिख दिया, ठीक है, यूनिट रैंप सिग्नल, तो यूनिट रैंप सिग्नल का मतलब आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वल टू हम साइन यूज़ करते हैं, यूटी में हमने क्या लिखा था, सिर्फ टी ग्रेटर देन जीरो लिखा था, लेकिन यहाँ पर आप इक्वल्स टू पर भी आप ये वैल्यू लेते हैं, ठीक है। एंड इट इज इक्वल्स टू जीरो अदरवाइज, ठीक है। तो जिस तरह यूनिट स्टेप फंक्शन जब हम लिखते थे, स्टेप फंक्शन जब हम लिखते थे तो उसका जो कोफिशियंट होता था वो हाइट को डिफाइन करता था, उसके वैल्यू को डिफाइन करता था, वैसे रैंप सिग्नल के पहले जो कोफिशियंट लिखा हुआ है वो उसके स्लोप को डिफाइन करता है। तो यूनिट का मतलब है कि एक ऐसा रैंप सिग्नल जिसका स्लोप कितना है, यूनिटी है। अगर आप इस फंक्शन को ड्रॉ करना चाहें, टी के रिस्पेक्ट में अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं आर ऑफ टी दैट इज इक्वल्स टू टी, ये सिर्फ टी ग्रेटर देन जीरो के लिए है, मतलब हमें सिर्फ इस साइड की वैल्यूज देखनी है, सपोज ये वन टू थ्री फोर फाइव, जो टी की वैल्यू होगी आर ऑफ टी की वैल्यू वही होगी, आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। मतलब अगर हम टी इज इक्वल्स टू वन सेकेंड लें तो आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू वन सेकेंड, टू पर आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी दैट इज टू सेकेंड्स। मतलब अगर हम यहाँ पर देख लें वन टू थ्री फोर, तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये आपको पॉइंट्स मिलेंगे, टी इज इक्वल्स टू वन पर वन, टी इज इक्वल्स टू टू सेकेंड्स पर वैल्यू भी टू, टी इज इक्वल्स टू थ्री सेकेंड्स पर वैल्यू भी थ्री एंड सो ऑन। तो इस टाइप का आपको ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ये जो रैंप फंक्शन है, मतलब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, एक स्लैंट लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसका स्लोप देखें, ये अगर हम स्लोप देखना चाहते हैं तो स्लोप इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। आप डेल वाई बाई डेल एक्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, फंक्शन हमारा एक ही है, अगर तो उसके लिए हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। सपोज हम यहाँ पर अगर हम अपना स्लोप देखना चाह रहे हैं, कहीं पर भी देख लें आप, स्लोप तो हर जगह सेम होगा इसका। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर स्लोप देखना चाह रहे हैं, इसको हमने लिखा ये हमारा डेल वाई है और ये हमारे एक्स एक्सिस में चेंज है डेल एक्स। तो अगर आप इसका स्लोप देखें तो स्लोप इज इक्वल्स टू डेल वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई एक्सिस कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, टू से थ्री, मतलब क्या लिखेंगे हम डेल वाई, थ्री माइनस टू अपॉन डेल एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, टू से थ्री, मतलब थ्री माइनस टू, तो वन अपॉन वन, स्लोप की वैल्यू कितनी है वन। तो इसलिए हमने कहा कि रैंप फंक्शन ये अगर आर ऑफ टी है, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा, मतलब कोफिशियंट अगर इसका वन है तो वन कोफिशियंट का मतलब है जो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा उसकी वैल्यू वन होगी। देयरफॉर आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू, अगर हमने टी लिखा, पीछे कुछ नहीं है, मतलब स्लोप वन है, तो ये हमारा एक यूनिट रैंप फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहीं पर ड्रॉ करना चाहते, सपोज अगर हम ड्रॉ करना चाहते एक्स ऑफ टी, कोई सिग्नल है हमारा जिसकी वैल्यू ए टाइम्स आर ऑफ टी, मतलब अब एक रैंप फंक्शन है जिसका कोफिशियंट वन लिखा है, मतलब इस रैंप फंक्शन का स्लोप कितना है, ए है। इसको हम और क्या लिख सकते थे, ए टी फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते
टी के रिस्पेक्ट में ये टी की वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये सपोज वैल्यूज़ हैं वाई एक्सिस पर, ठीक है, ये हमने एक्स ऑफ टी दैट इज इक्वल्स टू ए आर ऑफ टी लिखा, ठीक है। तो जब आप टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स लेंगे तो ए आर ऑफ टी की वैल्यू का क्या मतलब है, ए इंटू टी। अगर हम टी की वैल्यू 1 सेकेंड लेंगे तो एक्स ऑफ टी या ए आर ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, ए इंटू वन, ए इंटू वन दैट इज इक्वल्स टू ए। अगर मान लीजिए हम ए की वैल्यू को 5 ले लें तो सपोज हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम 5 ले लें तो दैट इज इक्वल्स टू 5t, अगर हमें ड्रॉ करना है 5rt, अगर हमें ड्रॉ करना है तो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5। अगर ये वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है, तो 1 सेकेंड्स पर वैल्यू कितनी है, 5 है। 2 सेकेंड्स पर वैल्यू कितनी होगी, 5 into 2 दैट इज इक्वल्स टू 10। तो ये 2 सेकेंड्स पर हमारी वैल्यू है 10। 3 सेकेंड्स पर वैल्यू कितनी होगी, 15। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट करेगी 5R ऑफ टी को, ठीक है। ये लाइन हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 5R ऑफ टी, ठीक है। अब अगर इसका आप स्लोप देखना चाहते हैं, फिर से अगर आप यहाँ पर इसके स्लोप को देखना चाहते हैं तो ये डेल वाई और ये डेल एक्स, स्लोप इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स दैट इज इक्वल्स टू डेल वाई। कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है वैल्यू, वाई एक्सिस में 10 से 15 तक। तो 10 से 15 मतलब 15 माइनस 10, डेल वाई की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस 10 अपॉन एक्स एक्सिस में वहाँ कहाँ से कहाँ चेंज किया आपने, 2 से 3 मतलब 3 माइनस 2, तो दैट इज इक्वल्स टू वॉट, 5। तो इसलिए हमने देखा कि ये जो रैम फंक्शन है इसका स्लोप कितना है, 5। तो इस फंक्शन को हमने लिखा भी क्या है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू 5R ऑफ टी। तो जो भी R ऑफ टी का कोफिशियंट है वो क्या बताता है, रैम फंक्शन के स्लोप को बताता है, ठीक है। तो स्टेप फंक्शन का कोफिशियंट उसकी हाइट को बताता है, उसकी वैल्यू को बताता है, रैम फंक्शन का कोफिशियंट उसके स्लोप को डिफाइन करता है। अब हम जैसे ऑपरेशंस अगर हमने देखे थे स्टेप फंक्शन पर, वैसे ही ऑपरेशंस अगर हम देखें अपने रैम फंक्शन पर, सपोज आपको ड्रॉ करना है अच्छा, जैसे ये तो रैम फंक्शन है, रैम फंक्शन के लिए हमने क्या लिखा, R ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए टी फॉर टी ग्रेटर देन 0। अगर हम एक फंक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं x ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, यहाँ हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की है टी की, x ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी। तो अगर हम x ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी लें तो वो फंक्शन हमारा कैसा होगा, ये इस टाइप का फंक्शन हमें मिलेगा, ओरिजिन से पास करते हुए एक स्ट्रेट लाइन, ये क्या हमारी वैल्यू, x ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। और अगर इसके पीछे कुछ नहीं लिखा तो अभी भी आप अगर इसका स्लोप देखेंगे तो स्लोप 1 होगा, मतलब t इज इक्वल्स टू 1 पर ये वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो x ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी, अगर हम इस फंक्शन को अपने स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हमने ये एक स्टेप फंक्शन ले लिया जिसकी वैल्यू 1 है फॉर टी ग्रेटर देन 0 यू टी, अगर हम फिर से इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर दें, अभी हमने देखा था ये जो सिग्नल है अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कैसा सिग्नल है हमारा, नॉन कॉजल सिग्नल है, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है फॉर टी लेस देन 0। लेकिन अगर हम इसको यू टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जो लेस देन 0 वाली वैल्यूज़ हैं वो इधर 0 वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी और प्रोडक्ट हमें सिर्फ कहाँ मिलेगा, टी ग्रेटर देन 0 के लिए ही मिलेगा। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा टी, यहाँ पर अगर हम लिखें एक्स ऑफ टी इंटू यू टी दैट इज इक्वल्स टू टी इंटू यू टी, क्योंकि एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या थी, टी थी,
तो ये सिग्नल हमें कैसा दिखेगा, ये ऐसा सिग्नल दिखेगा जिसकी वैल्यू t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पर, ये वैल्यू भी कितनी है इसकी, 1 सेकेंड्स है, ठीक है। तो अगर हम इस सिग्नल को देखें तो ये सिग्नल क्या हमारा, जो हमने ये सिग्नल बनाया है, ये सिग्नल और ये सिग्नल दोनों क्या हैं, सेम फंक्शंस हैं। तो इसलिए आप रैंप ऑफ टी को, आर ऑफ टी को, जो आर ऑफ टी टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हमने लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी इंटू यू टी। तो फिर आपको ये दूसरा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो अदरवाइज। इसको आप अगर चाहें तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू वॉट, टी इंटू यू टी, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन रैंप फंक्शन है, आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी इंटू यू टी। अब अगर आपको ड्रॉ करना है आर ऑफ टी प्लस फोर, ठीक है, ये सिंपल आर ऑफ टी फंक्शन है, इसको अगर आप शिफ्ट करें प्लस फोर मतलब एडवांस करें, अगर आप एडवांस अगर फोर यूनिट से करेंगे, इसको अगर आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बाय फोर, तो ये चीज़ जो ज़ीरो से शुरू हो रही थी, अब ये चीज़ कहाँ से शुरू होगी, फोर से शुरू होगी। तो ये सिग्नल आपको कैसा दिखेगा, ये कहाँ से शुरू होगा, अब माइनस फोर से शुरू होगा। अभी भी अगर इसके पीछे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसका स्लोप कितना है, यूनिटी है। स्लोप दैट इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स, अगर स्लोप की वैल्यू कितनी है, वन है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये पॉइंट कितना होगा, इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, बहुत ईजिली आप निकाल सकते हैं, वाई की वैल्यू जो होगी डेल वाई, यहाँ से आप डेल वाई इज इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, वन इंटू डेल एक्स दैट इज इक्वल्स टू डेल एक्स। तो आपको डेल वाई नहीं पता, डेल वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, लेकिन डेल एक्स तो पता है। कहाँ से शुरू कर रहे हैं आप चलना, माइनस फोर से, और कहाँ पर वैल्यू देखना चाहते हैं आप, टी इज इक्वल्स टू जीरो पर। तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो माइनस ऑफ माइनस फोर, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर। मतलब अगर आप देखें कि ये इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, फोर मिलेगी। वैसे भी आप ये समझ लीजिए कि जो स्लोप होता है वो रेशियो है डेल वाई अपॉन डेल एक्स का। मतलब अगर आपने कहा कि स्लोप थ्री है, इसका मतलब अगर टाइम एक्सिस पर आप टू चलेंगे तो उसका थ्री टाइम्स आप वैल्यू में गेन करेंगे। जो भी स्लोप की वैल्यू होगी उतने टाइम्स आप वैल्यू में गेन करते हैं। मतलब आप एक्स एक्सिस पर अगर वन चल रहे हैं और स्लोप अगर फाइव है, तो वाई एक्सिस पर वैल्यू कितनी बनेगी, फाइव बनेगी। अगर इस रैंप का स्लोप वन है, तो आप यहाँ अगर फोर चले हैं तो वैल्यू भी फोर ही बनेगी, ठीक है। तो यह हमारा क्या फंक्शन है, रैंप ऑफ टी प्लस फोर, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप और कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हम एक ऐसा प्लान नहीं कर रहे कि हम बहुत ज़्यादा लेंदी आपको बहुत ज़्यादा टाइम एक दिन में लें। आप नॉर्मली थोड़ा 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 करते रहें और इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रहा हूँ, इन पर आप ट्राई करके देखिएगा कि आप इन प्रॉब्लम्स को करने में कैपेबल हैं कि नहीं। उसके बाद फिर हम इसको और एक्सटेंड करेंगे। जैसे एक एक प्रॉब्लम आप और कर सकते हैं। सपोज़ ये हमारे पास, अगर ये फंक्शन है x ऑफ t, अगर इस फंक्शन को हमें रैंप फंक्शंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो, तो कैसे कर सकते हैं हम एक्सप्रेस। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर हमने लिखा r ऑफ t प्लस फोर, यूनिट स्टेप में भी आपने वो कॉन्सेप्ट देख लिया है कि अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कौन सा फंक्शन एग्जिस्टेंस उसका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर ये r ऑफ t प्लस फोर है, अगर हम इसको ज़ीरो पुट कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये फंक्शन t इज इक्वल्स टू माइनस फोर से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हमने इसको कहाँ से शुरू किया है, t इज इक्वल्स टू माइनस फोर से। तो अगर आप इस फंक्शन को देखें, तो इस फंक्शन के लिए हमें क्या दिख रहा है, ये एक रैंप फंक्शन है, ठीक है। अगर ये एक रैंप फंक्शन अकेला होता तो फिर ये रैंप हमारी इंक्रीज करती चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है रैंप में, फिर ये हॉरिजॉन्टल स्लोप आ रहा है। मतलब यहाँ पर एक रैंप था, अब जैसे ये जो रैंप फंक्शन हमारा पहला रैंप फंक्शन है, इस रैंप फंक्शन के लिए अगर आप स्लोप देखें, इस रैंप फंक्शन का स्लोप कितना होगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो डेल वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ ज़ीरो थी वैल्यू, ये वैल्यू ज़ीरो है, और वैल्यू चेंज होकर इस टाइम इंटरवल में ये हमारा डेल एक्स है, ठीक है, इट इज़ डेल एक्स। और ये जो चीज़ है हमारी, ये हमारे डेल वाई है। तो डेल वाई कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, ज़ीरो टू टेन, मतलब डेल वाई इज़ टेन अपॉन डेल एक्स कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, माइनस एट टू माइनस सिक्स, मीन्स ये वैल्यू कितनी है, टू। तो इसके स्लोप की वैल्यू कितनी है,
5। तो इस रैंप फंक्शन को हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया रैंप का, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -8 से, और इसका स्लोप हमें पता चल गया, वैल्यू कितनी है 5। तो इस x ऑफ t को हम क्या लिख सकते थे, पहले अगर हम इस फंक्शन के लिए लिखते तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे +5 r ऑफ t +8, क्योंकि ये फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -8 से, और इसका स्लोप कितना है +5। ठीक है, अब t इज इक्वल्स टू -6 पर ये जो स्लोप है ये हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब यहाँ पर जो स्लोप है इस स्लोप की वैल्यू कितनी है 0। इसका मतलब यहाँ पर t इज इक्वल्स टू -6 पर एक ऐसा रैंप आया जिसका स्लोप और इस रैंप का स्लोप, दोनों का स्लोप मिलाकर हमें नेट स्लोप की वैल्यू कितनी मिल रही है 0। इसका मतलब अगर इसका स्लोप +5 था तो इस पॉइंट पर जो रैंप आया उसका स्लोप कितना होना चाहिए -5, तभी ये ओवरऑल स्लोप क्या हो रहा है 0। तो इसलिए वो रैंप कहाँ पर आया है -6 पर, तो उसके लिए हम फंक्शन क्या लिखेंगे -5 r ऑफ t +6। ये क्लियर है, जो रैंप पहले था उसका स्लोप +5 और t इज इक्वल्स टू -6 के बाद स्लोप 0, इसका मतलब -6 पर जो रैंप आया उसका स्लोप +5 इज इक्वल्स टू 0। इसलिए जो रैंप -6 पर आया उसका स्लोप हमने कितना इंडिकेट किया -5। अब ये 0 स्लोप था, लेकिन इस टाइम के बाद t इज इक्वल्स टू 10 पर हम क्या देख रहे हैं, स्लोप फिर से क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। अगर हम इस पॉइंट पर स्लोप देखें तो इसके लिए स्लोप की वैल्यू कितनी है, देखिए ये फिर से हमारा डेल एक्स है और ये वैल्यू हमारी डेल वाई है। तो डेल वाई की वैल्यू फिर से 10 से 0 चेंज हो रहा है, मतलब 0 माइनस 10 डेल वाई, और डेल एक्स कितना चेंज हो रहा है हमारा 12 माइनस 10, मतलब जो स्लोप है वो स्लोप कितना है हमारा -5। इसका मतलब t इज इक्वल्स टू -10 से पहले तक स्लोप 0 और उसके बाद का स्लोप -5, मतलब इस पॉइंट पर एक रैंप आया जिसका स्लोप कितना है -5। तो हम क्या लिखेंगे फंक्शन फिर से, -5 स्लोप, और वो रैंप कहाँ पर आया t इज इक्वल्स टू 10 पर, तो r ऑफ t -10। ठीक है, अब अगर हम t इज इक्वल्स टू 12 के बाद देखें तो ये फंक्शन हमारा, अगर सिर्फ ये रैंप होता तो ये फंक्शन तो डिक्रीज करता चला जाता, लेकिन t इज इक्वल्स टू 12 के बाद ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है कांस्टेंट हो रही है। इसका मतलब t इज इक्वल्स टू 12 पर एक और रैंप आ रहा है जिसके बाद नेट स्लोप की वैल्यू कितनी हो रही है 0। इसके पहले स्लोप कितना था -5 और 12 के बाद स्लोप की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। इसका मतलब जो 12 पर रैंप आया है उसके स्लोप की वैल्यू कितनी है, जो इस -5 में ऐड होकर स्लोप को 0 बना दे, मतलब क्या फंक्शन आया यहाँ पर +5 r ऑफ t -12। तो ये ओवरऑल रैंप फंक्शंस के फॉर्म में आप इस फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आज हमने एलिमेंट्री सिग्नल्स में दो फंक्शंस ही हम कर पाए हैं आज, स्टेप फंक्शन और रैंप फंक्शंस। स्टेप के लिए भी हम अभी और चीज़ें देखेंगे, जैसे तो स्टेप के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर हमने लिखा u ऑफ t, तो हम क्या लिखते हैं u ऑफ t इज 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड इट इज इक्वल्स टू 0 फॉर t लेस देन 0। हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि जो आर्ग्यूमेंट है, जो इस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है, जब वो चीज़ पॉजिटिव होगी तब u ऑफ उस फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, और जब ये चीज़ नेगेटिव होगी तो वैल्यू क्या होगी 0। अगर जैसे आपसे कोई प्लॉट करना चाहता टू ड्रॉ x ऑफ t दैट इज u ऑफ sin t, sin t का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, ये इस तरफ भी एक्सटेंडेड है, इस तरफ हम नहीं बना रहे वैल्यू t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये sin ओमेगा t कर लें अगर हम, तो ओमेगा t की वैल्यू 2π 3π 4π एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी क्या वैल्यू है, ये साइन ओमेगा टी फंक्शन है। तो यू ऑफ साइन ओमेगा टी के लिए क्या होगा, अगर हम इस फंक्शन को देखें देन इट विल बी इक्वल्स टू 1 व्हेन साइन ओमेगा टी, जो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ है, जब वो वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, एंड इट विल बी 0 जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। तो अगर आप इस फंक्शन को देखकर अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हैं
टी के रिस्पेक्ट में एक्स टी दैट इज इक्वल्स टू यू ऑफ साइन ओमेगा टी। तो जहां पर साइन ओमेगा टी पॉजिटिव है, जहां पर पॉजिटिव है वहां पर तो वैल्यू क्या होगी यू ऑफ टी की, यू ऑफ साइन ओमेगा टी की प्लस वन। मतलब अगर आप इन पॉइंट्स को एक्सटेंड कर लें तो जहां पर साइन ओमेगा टी पॉजिटिव है वहां प्लस वन, और जहां ये वैल्यू नेगेटिव है वहां ज़ीरो। जहां ये वैल्यू पॉजिटिव है प्लस वन, जहां ये वैल्यू नेगेटिव है ज़ीरो, प्लस वन एंड ज़ीरो। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी है यू ऑफ साइन ओमेगा टी। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करके देखना, यू ऑफ कॉस ओमेगा टी, यू ऑफ माइनस टी, यू ऑफ टी स्क्वायर, कोई भी फंक्शन लेना आप, और उसके लिए स्टेप फंक्शन के अंदर उसको लिख कर देखना कि उसके लिए आप फंक्शन को ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो आज एलिमेंट्री सिग्नल्स में हम दो सिग्नल्स कर पाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अपना इम्पल्स फंक्शन शुरू करेंगे, और उसके साथ हम कुछ और एलिमेंट्री फंक्शंस जैसे साइनोसॉइडल फंक्शंस देखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस देखेंगे, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस देखेंगे, और फिर हम सिग्नल्स का अलग अलग बेसिस पर क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे। तो जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा हो कि या तो हम तेज़ जा रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें स्किप हो रही हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक में ज़्यादा आपकी यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम हो रही है तो उस टॉपिक को भी आप बता सकते हैं, हम उसको भी कोशिश करेंगे यहाँ कवर करने की। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास से अब आगे और एक्सटेंड करेंगे अपना मॉड्यूल वन। जैसे आपको पहले ही बताया था, मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू ये आपके बेसिक्स हैं, ये हर जगह आपको काम आएंगे। आप यही नहीं, ये रैम फंक्शन, ये स्टेप फंक्शन, ये आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ लें, और कम्युनिकेशन का तो खैर बेस ही है, क्योंकि कम्युनिकेशन में आप क्या करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, और किसके थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, सिस्टम्स के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये चीज़ें आपको हर जगह यूज़ होंगी, इसलिए इनको आप अच्छे से देखते रहिए, और जो भी डाउट्स हो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।